प्रिय पाठकों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता मेरा प्रतिनिधि लेकर प्रस्तुत हुआ। तो चलिए, हमेशा की तरह कविता के व्याख्यान एवं पाठन से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है जो विधायक अथवा सांसद द्वारा अपने क्षेत्र में मारे गए एक आंदोलनकारी की मृत्यु से संबंधित है। क्षेत्र में भीड़ के मध्य एक व्यक्ति अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की मांग करता हुआ मारा गया है। इस स्वतंत्र देश में सभी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। मारा गया व्यक्ति स्वतंत्र भारत को परतंत्र समझता है था। प्रतिनिधि ने चुनाव से संबंधित सभा में प्रश्न उठाए। वहां जो सभा अध्यक्ष थे वह अपने उच्च और महान आसन की दृष्टि से छोटा था। तात्पर्य यह है कि सभा के सदस्य उस का कहना नहीं मान रहे थे। अपनी स्वाधीन जन्मभूमि में जन्म लेने का प्रमाण पत्र हाथ में लिए वह व्यक्ति दूसरी जगह मारा गया था। कुछ लोग हाथ में मसाले लिए हुए उसे साहब और सिपाही के पास लाए थे। वह अपने घर से कहकर चला था कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, पर लौट कर घर नहीं पहुंचा। उस मृतक के साथ उसके घर वाले लोग भी थे, विधायक अथवा सांसद सरकार के लड़के थे। सरकार उनका व्यय वहन कर रही थी। उनका परिवार एक था, अर्थात सभी प्रतिनिधि थे, पर अलग अलग परिवारों से आए थे। जब प्रतिनिधि ने सभा में अपने क्षेत्र के व्यक्ति के मारे जाने की बात कही तो सभा में बैठे सदस्य अपनी तोंद सहलाते हुए जोर से हंसने लगे। वे उस सदस्य के अकेलेपन पर हंस रहे थे क्योंकि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। इसके बाद वे उस व्यक्ति के मृत्यु से डर कर चिल्लाए, यह प्रश्न कल्याणकारी है, शोभन नहीं है और झूठा है, कहकर पूरी सभा जो है चिल्लाने लगे। उनका तात्पर्य यह था कि इस प्रकार के झूठे और गंदे प्रश्न लोकसभा में नहीं उठाए जाने चाहिए, इनसे देश का कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार यहां रघुवीर सहाय जी ने जनसाधारण के प्रतिनिधि के मारे गए घटना को जो है यहां चरितार्थ किया है। तो चलिए, कविता की पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। उसके दिल की धड़कन, उस दिल की धड़कन है, भीड़ के शिकार के सीने में जो है हाहाकार, उठता है घोष कर एक जन, उठता है रोष कर, व्याकुल आत्मा से आक्रोश कर अकस्मात अर्थ भर जाता है पुरुष वह, हम सबके निर्विवाद जीने में। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां प्रयोगवाद के शलाका पुरुष रघुवीर सहाय के कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध में संकलित कविता मेरा प्रतिनिधि से उद्धृत है। यहाँ कवि अपने प्रतिनिधि अर्थात अपने क्षेत्र से चुनकर विधानसभा अथवा लोकसभा में गए प्रतिनिधि पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि उस प्रतिनिधि के दिल की धड़कन उसी प्रकार की है जैसे कि भीड़ द्वारा शिकार कर लिया गया, अर्थात मारे गए व्यक्ति के दिल की धड़कन दिल में थी। तात्पर्य यह है कि भीड़ के द्वारा मारे गए व्यक्ति के मन में शासन और
व्यवस्था के प्रति जितना असंतोष था उतना ही असंतोष उस प्रतिनिधि के मन में भी था जिसने विधानसभा में अथवा लोकसभा में मरने वाले के संबंध में प्रश्न उठाया था। कवि आगे कहते हैं कि उस प्रतिनिधि के स्वर में हाहाकार की ध्वनि उठने लगती है, वह अपने क्षेत्र में मारे गए व्यक्ति के शोक में हाहाकार करता है। वह प्रतिनिधि क्रोध करके खड़ा हो जाता है, उसकी व्याकुल आत्मा आक्रोश प्रकट करने लगती है। इस प्रकार हमारा वह प्रतिनिधि हम सबके जीवित रहने में विवाद रहित अर्थ कर जाता है। वह सिद्ध कर देता है कि हम सबका जीवित रहना विवाद का विषय नहीं है, हम सभी प्रजाजनों को जीवित रहना चाहिए, अर्थात हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हमें जीवित रहने का पूरा अधिकार है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सिंहासन ऊंचा है, सभाध्यक्ष छोटा है, अगणित पिताओं के एक परिवार के मुंह बाए बैठे हैं लड़के सरकार के, लूले काने बहरे विविध प्रकार के, हल्की सी दुर्गंध से भर गया है सभा कक्ष। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में रघुवीर सहाय ने विधानसभा अथवा लोकसभा के कक्ष का व्यंग्यात्मक वर्णन किया है। तो चलिए व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जिस सभा कक्ष में जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं उसके अध्यक्ष के बैठने का स्थान ऊंचा है, किंतु उस पर सभा का जो अध्यक्ष बैठा है वह छोटा है। अर्थात अध्यक्ष का व्यक्तित्व सभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उस सभा में जो लोग बैठे हैं वे अनगिनत पिताओं के पुत्र हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे अनगिनत लोगों का उसी प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं जिस प्रकार पिता का प्रतिनिधित्व पुत्र करता है, अथवा वे लोग विभिन्न विचारधाराओं वाली पार्टियों से आए हैं, परंतु वे सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। अर्थात सभी विधायक या सांसद हैं, वे सरकार के लड़के हैं, अर्थात उनका पालन पोषण और व्यवहार सरकार ही करता है। वे अनेक प्रकार के हैं, उनमें कुछ तो लूले हैं अर्थात ठीक से कानों से काम नहीं कर पाते, उनमें कुछ काने हैं अर्थात ठीक से देख भी नहीं पाते, उनमें कुछ बहरे हैं अर्थात ठीक से सुन भी नहीं पाते हैं। तात्पर्य यह है कि वे जनप्रतिनिधि न कुछ करते हैं, न देखते हैं और न ही किसी की बात सुनते हैं। कवि आगे कहते हैं कि सभा का कक्ष हल्की सी बदबू से भर गया है। इस बदबू का कारण कुछ भी हो सकता है। सभी जनप्रतिनिधि या तो मदिरा पीकर आए हैं या बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं अथवा बहुत दिनों से उन्होंने स्नान तक नहीं किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सुनो वहां कहता है मेरा प्रतिनिधि, मेरी हत्या की करुण कथा हंसती है सभा, तोंद मटका ठठाकर अकेले अपराजित सदस्य की व्यथा पर फिर मेरी मृत्यु से डर कर चिंचिया कर कहती है अशिव है, अशोभन है, मिथ्या है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में रघुवीर जी ने अपने प्रतिनिधि एवं सभा के अन्य सदस्यों की गतिविधियों का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि
विधानसभा अथवा लोकसभा में मेरा प्रतिनिधि अर्थात विधायक अथवा सांसद सभा के सदस्यों को सुनो कहकर संबोधन करता है। इसके बाद वह मेरी हत्या की दर्द भरी कहानी सभा के लोगों को सुनाता है। मेरे प्रतिनिधि की बात सुनकर सभा में बैठे लोग हंसने लगते हैं। वे मेरे प्रतिनिधि की बात को गंभीरता से न लेकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। वे लोग अपनी तोंद सहलाते हुए और भद्दी ध्वनि करते हुए हंसते हैं। अधिक जोर से हंसने के कारण उनकी तोंद हिलने लगती है। मेरा सदस्य अकेला है पर किसी से पराजित नहीं हुआ है। सभा में बैठे सदस्य मेरे प्रतिनिधि की पीड़ा देखकर हंसते हैं। वे हंसते इस कारण से हैं कि उनके दृष्टि में अपने क्षेत्र के व्यक्ति के मरने का प्रश्न उठाना मूर्खता है। इसके बाद सभा में बैठे लोग मेरी मृत्यु से डर जाते हैं और चीख चीख कर कहने लगते हैं, इस सभा में इस प्रकार के प्रश्न उठाना कल्याणकारी नहीं तथा सुंदर भी नहीं है। इस सदस्य ने जो कहानी सुनाई है वह असत्य है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं कि जो अन्यत्र भीड़ में मारा गया था, लिए हुए मसले रात में लोग मुझे लाए थे साथ में, कागज था एक मेरे हाथ में, मेरी स्वाधीन जन्मभूमि पर जन्म लिए होने का मेरा प्रमाण पत्र। चलिए प्रश्न के पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में रघुवीर सहाय आत्मकथा के रूप में अपनी हत्या का वर्णन कर रहे हैं। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो भीड़ में दूसरी जगह मारा गया था। भीड़ में मेरी हत्या यहाँ नहीं दूसरी जगह की थी। कुछ लोग हाथों में मसाले लिए हुए रात के समय मुझे अपने साथ लाए थे। मेरे हाथ में एक कागज़ था जो इस बात का प्रमाण पत्र था कि मेरा जन्म इसी स्वाधीन देश में हुआ है। यह स्वतंत्र देश ही मेरी जन्मभूमि है। यहाँ कवि द्वारा कहने का यह तात्पर्य है कि मारा गया वह व्यक्ति जनप्रतिनिधि था, यानी कि मेरा प्रतिनिधि, अगर मेरा प्रतिनिधि इस प्रकार मारा गया इसका मतलब है कि मैं मारा गया। इस प्रकार जनप्रतिनिधि को जन से जोड़ते हुए जनता के मरने की बात यहाँ कही गई है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मारो 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 सोड़ था मारो, एक और साहब था सेठ था सिपाही था, एक और मैं था मेरा पुत्र और भाई था, मेरे पास आकर खड़ा हुआ राही था, एक और आकाश में जो चला था भोर। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काम पंक्तियों में लेखक उत्तम पुरुष की शैली में अपने मारे जाने का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। रघुवीर जी यह कहते हैं कि मेरे सामने लोग मारो मारो कहकर शोर मचा रहे थे। मेरे एक और एक अधिकारी, एक सेठ अर्थात व्यापारी और एक सिपाही खड़ा था। ये तीनों ही सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतीक हैं। सत्तारूढ़ पार्टी को व्यापारी चंदा देकर समर्थन बनाते हैं, अधिकारी उसके आदेशों का पालन करते हैं और पुलिस उसकी रक्षा करती है। दूसरी ओर मैं खड़ा था, मेरे साथ मेरा पत्र और मेरा भाई था, एक यात्री था जो मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। इसी स्थिति में आकाश की एक और अर्थात पूर्व दिशा में सवेरा होने लगा था। इस प्रकार कवि कहते हैं कि मेरी इस मुहिम में मेरे साथ यह लोग खड़े थे। मेरे साथ
दोने देने के लिए परदूसी और सेठ व्यापारी और सिपाही खड़े थे उनके समर्थन के लिए। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं अपने घर में फिर वापस आऊंगा। मैंने कहा 20 वर्ष हो गए भर में उपदेश में, एक पूरी पीढ़ी जन्मी पली पूसी क्लेश में, बेगानी हो गई अपने ही देश में, वह अपने बचपन आजादी छीन कर लाऊंगा। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने स्वतंत्र भारत के 20 वर्ष व्यर्थ जाने और देश को वास्तविक स्वतंत्रता न मिलने की बात कही है। यहाँ कवि उत्तम पुरुष की शैली में कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैंने अपने परिवार के लोगों से कहा था कि आंदोलन करने के बाद मैं अपने घर लौट आऊँगा। स्वतंत्र भारत के नेताओं ने जो उपदेश दिए उनके धोखे में आकर मेरी 20 वर्ष बेकार हो गए। इस 20 वर्षों में मेरे देश भारत में एक पूरी पीढ़ी ने कष्ट में ही जन्म लिया, कष्ट में ही उसका पालन पोषण हुआ। इन 20 वर्षों में जन्मी और पली पीढ़ी अपने देश में अपरिचित और पढ़ाई हो गई है। आगे कवि घोषणा करते हैं कि आज मेरा बचपन भी देश के साथ साथ परतंत्र है और इस देश के शासकों ने से अपने बचपन की स्वतंत्रता छीन कर ही लाऊंगा। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर पढ़ते हैं। तभी मुझे कत्ल किया, लो मेरे प्रतिनिधि मेरा प्रमाण, घुटता था गला व्यर्थ सत्य कहते कहते, वाणी से विरोध कर तन से सहते सहते, सील भरी बंद कोठरी में रहते रहते, तोड़ दिया द्वार आज देखो देखो मेरी मातृभूमि का उजार। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर पढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों में रघुवीर सहाय जी ने 20 वर्ष तक अंधेरी कोठरी में बंद रहने जैसा जीवन बिताने के बाद अपनी मृत्यु को स्वतंत्रता कहा है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे मेरे प्रतिनिधि पुरुष, सुन लो, मैं अपनी पीढ़ी की और अपने देश की स्वतंत्रता वापस लाने की बात कह रहा था, तभी मेरी हत्या कर दी गई। बेकार का सत्य कहते कहते, झूठ को सत्य बताते बताते मेरा गला घुट रहा था। मैं अपनी वाणी से देश को परतंत्र बनाए रखने वाले स्वाधीन भारत के शासकों की बातों से विरोध कर रहा था और अपने शरीर से उनके अत्याचार सह रहा था। मैं इन 20 वर्षों में ऐसा जीवन बिता रहा था जैसे कोई सीलन वाली बंद कोठरी में रह रहा हूँ। आज मेरे इस बंद कोठरी का द्वार तोड़ दिया, आज मैं उस जेल से मुक्त हो गया। तुम भी मेरी मातृभूमि भारत का उजरापन देख लो। और इस प्रकार कवि देश की दशा का वर्णन कर रहे हैं। इस कविता में अगर हम इस प्रकार विशेष की बात करें तो यहां हम विशेष की बात इस प्रकार से कर सकते हैं कि रघुवीर सहाय जी ने अपने इस कविता में के माध्यम से स्वतंत्र देश की दशा का बहुत भी मार्मिक वर्णन करते हुए देश को परतंत्र कहा है। इस कविता में अपने माध्यम से कवि ने जन साधारण को संदेश दे रहे हैं कि उन शासकों के हाथों से देश को एकजुट होकर बचाना है, तभी जाकर जो है जन साधारण का कल्याण हो सकता है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।